नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 18 न्यूज और मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं पंकज कुमार। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप बने रहे हमारे चैनल पर। इस वक्त की लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले पूरा मामला। मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र के गाँव चुरई पुरवा का है, जहाँ दहेज की मांग को लेकर मधुबाला उर्फ शिवानी पुत्री अनिल कुमार की लड़की की शादी पंकज कुमार पुत्र रामासर बस विरवा पोस्ट गुलोली मोहम्मदी क्षेत्र से तय थी, लेकिन कार व ट्रैक्टर एवं 3.5 लाख की नकदी न मिलने को लेकर बारात घर पर नहीं पहुंची। लड़की के पिता का आरोप है बारात आने का झांसा देते रहे। फोन पर भी बात हुई तो जवाब मिलता रहा कि बारात आ रही है, लेकिन पूरी रात और सुबह बीत गई लेकिन बारात घर पर नहीं पहुंची, जिससे उनको काफी बेइज्जती और लाखों का नुकसान हुआ है। क्या सरकार के पास इन दहेज के लोभियों पर कब होगी कार्रवाई और कब दहेज तक प्रथा में लड़कियां प्रताड़ित होती रहेंगी? कौन सा गाँव? आपकी शादी कहाँ से तय हुई थी? कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मोहम्मदी। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला सर ये है, वो मतलब पैसे मांग रहे हैं, कर्ज भी, और मतलब कह रहे थे कि पैसे मुझे पहले दोगे तब शादी करेंगे वरना शादी नहीं करेंगे। 4.5 लाख की मतलब बात थी, तो कह रहे थे शादी मतलब बारात नहीं लाएंगे हम जल्दी, उनको पैसे नहीं दोगे, और सब परेशान मेरी मम्मी पापा को कर रहे हैं, और कह रहे थे स्टेनी खाना करवाएंगे, जयमाल करवाएंगे, सब व्यवस्था करवाई है सर, और मतलब आपके पिता द्वारा व्यवस्था की गई थी? की गई थी सर। फिर? और फिर मतलब बारात का वो बारात का इंतजार कर रहे थे लेकिन बारात नहीं घर पर आई। अगर शादी वहाँ से नहीं आती है तो क्या करेंगे आप? तो सर क्या करेंगे, हम तो अपनी जान दे देंगे सर। कारण नहीं है। कहाँ से शादी तय थी आपकी लड़की की? कोई मांग थी पहले से? मांग पहले ट्रैक्टर जी मांगी थी, ट्रैक्टर मांगी थी 3.5 लाख रुपया मांग रहे, तब भी बारात नहीं पहुंची, तब भी नहीं आई बारात। कौन सा गांव है ये? बारात कहां से आ रही थी? बस जुड़वा। और आपका गांव कौन सा? अनिल कुमार। क्या समस्या है? समस्या शादी वाली सर है। कौन सा गांव? चुरई पुरवा। कहाँ से तय थी आपकी लड़की शादी? बसवरवा से सर। कहाँ, कौन सा क्षेत्र पड़ता है बसवरवा में? मोहम्मदी क्षेत्र सर पड़ता है। बताइए पूरी बात क्या है सर। ये जो है शादी के लिए मतलब हम मतलब शादी करना चाहते थे बसवरवा गांव से जी, और वो जो है मतलब बारात लाना चाहते, मतलब बारात वो कहते थे कि 3 लाख रुपये मुझको दो तभी बारात लाएंगे, अन्यथा बारात नहीं लाएंगे। एडवांस में से पैसे मांग रहे थे, हम कहते थे कि बारात आएगी तो पैसे तुम्हारे सारे भर देंगे हम। कोई कहा सुनी हुई थी छिदन पर? कोई सर कहा सुनी नहीं हुई थी, बाबत में नहीं थी हुई थी, इसीलिए हम निश्चिंत थे। और जो है हमने खाना की जो स्टैंडिंग खाना की व्यवस्था है उन्होंने कही कि हमारे बारातियों का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, इसलिए VIP व्यवस्था होनी चाहिए, स्टैंडिंग खाना होना चाहिए, ये है वो है, तो हम सारी उनकी बातें जो 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 उन्होंने कहा वो हमने किया, तब भी वो बारात नहीं लाए सर। लगभग कितने बजे तक इंतजार करते रहे बारात का? सर हमने 2 बजे तक इंतजार किया है। फोन किया था? फोन क्या, यहाँ से आदमी भी गए थे हमारे यहाँ से लेने के लिए, उन्होंने हमारा एक वहाँ एक और बहन हुई था वो यहाँ कह के गया ये कि हम बारात लाएंगे, तब इसीलिए हम कोई कार्रवाई आगे भी करते वो भी कार्रवाई भी नहीं कर पाए, और वो कहा बारात, और जब जब मतलब बारात नहीं आई तो मतलब कहा कि अब हम बारात वो वहाँ से नहीं आएगी। 2 बजे वहाँ से लौट के हमारे जो कैंडिडेट गए थे वो वापस आ गए घर को कि आप बारात नहीं आएगी। तब हम क्या करते सर, तब जब 112 नंबर भी लगाया, फिर तो वहाँ 112 नंबर पुलिस गई तो सर उन्होंने कहा यही कहा कि अब क्या है, तुम यहाँ की बारात की कोई तैयारी नहीं है, तुम कहते हो बारात है, तो हमने ये भी कहा कि सर यहाँ इंक्वायरी कर लीजिए, हमारे यहाँ आइए चुरई पुरवा में इंक्वायरी देखिए कैसा है। तो उन्होंने कहा कि हमें भैया ऐसा है, अब तुम अपने जो है मैगलगंज से या मतलब यहाँ यो
कोतवाली मोहम्मदी पड़ती है, यहाँ से अपना संपर्क कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हम मतलब हम अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। वो उन्होंने सब ताला बंद करके चले गए हैं, ये है वो है ये बता के वो बात हो गई। आपका यहाँ कौन सा कोतवाली क्षेत्र पड़ता है जी? मैकलगंज। सूचना दी गई मैकल कोतवाली क्षेत्र पर? नहीं अभी सर तो नहीं दी गई है। तो क्या है, देंगे या नहीं अभी तक? सर देंगे तो जरूर, जब ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ अभी सर, तक इंतजार करते रहे है? कि हो सकता है बारात लेकर आए। हाँ सर, यही सोचते रहे कि हमारी लड़की के